तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास है 2023 की लेटेस्ट मॉडल होंडा की लीवो, जिसमें आप देखेंगे तो 2023 में होंडा ने इसमें आपको बहुत सारे नए चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे नई ग्राफिक्स मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है देखने में। और आपको बता दें कि होंडा लीवो में पहले 4-5 ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अब 2023 में केवल 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये इसका ब्लैक कलर है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसमें आपको ग्राफिक्स के अलावा इसमें और क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग भी 2023 में होंडा का लीवो लेने वाले हैं, फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एक्सट्रीम प्राइस के बारे में, तो गौर करिएगा, इसमें आपको दो मॉडल मिलता है, जिसमें से पहला मॉडल आता है ड्रम मॉडल, जिसकी एक्सट्रीम प्राइस पड़ेगी ₹76,500 एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। लेकिन ये है इसका डिश मॉडल, तो इसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है वो है ₹80,500 एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा ना, वो लगभग आपको पड़ेगा ₹1,03,000 से ₹1,04,000 के बीच में। दोस्तों, इसकी जो प्राइस है ना, वो पहले से बढ़ चुकी है। और अगर हम बात करते हैं इसके कलर के बारे में, तो आपको बता दें कि पहले इसमें आपको 4 या फिर 5 कलर मिलते थे, लेकिन अब इसमें आपको केवल 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से पहला है ब्लू मेटालिक कलर, दूसरा है इसका ब्लैक कलर जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तीसरा इसका है मैट क्रस्ट मेटालिक कलर। तो दोस्तों, जो बाकी दो कलर है ना, उसकी वीडियो आपको इस चैनल पे बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो ये जो ब्लैक कलर है ना, ये मुझे सबसे प्यारी लग रही है। तो आप लोग बताना ये जो ब्लैक कलर वाली बाइक है ना, आप लोग कैसी लग रही है देखने में। और अगर अगले बदलाव की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नई ग्राफिक्स मिल जाती है, जैसे कि SP125 में मिलती थी। तो ये जो नई ग्राफिक्स है ना, ये लुक को और ज्यादा इन्हेंस करती है। तो आप लोग बताना कि इसका जो लुक है ना, इस ग्राफिक्स के साथ आप लोग कैसी लग रही देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, कुछ इस टाइप में मिलता है, जो कि थोड़ा सा पहले से और ज्यादा बेहतरीन लगती है। और यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट वाइजर मिल जाता है, वाइजर तो आपको होंडा की बैचिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको व्हाइट एंड ग्रे कलर में काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल रही है। और इसका जो हेडलैम्प मिलता है ना, वो मिलता है 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिल रही है। और इसका जो टर्न इंडिकेटर है, वही सेम आपको पहले वाला मिलता है। तो आप लोग बताना कि इसका जो फ्रंट लुक है ना, आप लोग कैसा लगता है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट जो सस्पेंशन मिलता है, वो मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सस्पेंशन क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट टायर के बारे में, तो इसका जो फ्रंट टायर मिलता है, वो मिलता है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलावेल के साथ। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, ये इसका डिश मॉडल है, तो इसमें आपको 240 mm का डिस्क का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं, उसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी काफी अच्छी देखने को मिलती है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं साइड से, तो यहाँ पे देखेंगे इस साइड से इसका जो लुक है, इस कलर के साथ कुछ इस टाइप में देखने को मिलती है नए ग्राफिक के साथ। तो आप लोग बताना कि ये जो नई ग्राफिक्स है, आप लोग कैसी लगती है देखने में। मुझे तो ये ग्राफिक्स काफी अच्छी लग रही है पुराने वाले ग्राफिक्स के तुलना में। और अगर हम आते हैं इसके हैंडल बार पे, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंडल बार पे आपको वही सारे स्विचेस मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम मिल जाता है, साइड इंडिकेटर से हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है, साइड मिरर वही आपको सेम मिलता है। राइट हैंडल बार पे देखेंगे साइलेंट डिस्प्ले फीचर्स के साथ इंजन ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मीटर कंसोल मिलता है ना, आपको सेमी डिस्टेंस कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको जो स्पीडोमीटर मिलता है, वो आपको एनालॉग मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो ट्रिप मिल जाएगा, किलोमीटर देखने मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, टाइम देखने मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाती है। और यहाँ पे आपको लीवो का स्टिकर मिल जाता है, जिसमें आपको लाइट जलती हुई दिख जाती है। तो दोस्तों, जो मीटर कंसोल है ना, वही सेम रखा गया, इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम आते हैं फ्यूल टैंक के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे जो फ्यूल टैंक मिलता है ना, वही सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो E20 की स्टिकर मिल जाती है, यानी कि ये जो बाइक है ना, फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी के साथ आ चुकी है। तो दोस्तों, अब इसमें भी आपको इथेनॉल 20 का फीचर देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं साइड से, तो यहाँ पे देखेंगे साइड कॉल पर देखिए तो होंडा का 3D एम्बल लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको नई और फ्रेश ग्राफिक्स मिल जाती है सिल्वर एंड व्हाइट कलर में, जो कि काफी प्यारी लग रही है देखने में। तो इसका जो साइड प्रोफाइल है ना, आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, उसकी बात कर लेते हैं, तो वही 9 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल रही है। और अगर हम आते हैं इसके इंजन के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि पहले इसमें आपको BS6 इंजन मिलती थी, लेकिन अब इसमें आपको मिलता है BS6 फेज 2 इंजन। लेकिन इंजन कैपेसिटी जो मिलती है, वो मिलती है 109.51 सीसी का एयर कूल 4-स्टॉक SI BS6 फेज 2 इंजन। और इसका जो मैक्स पावर मिलता है, वॉक मिलता है 6.47 किलोवाट का 7500 आरपीएम पे। जो मैक्स टॉर्क मिलता है, वॉक मिलता है 9.30 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पे। प्रोग्राम FI सिस्टम देखने को मिल जाती है। और एक बात और आपको बता दें कि पहले इसमें आपको मिलता था OVD1, लेकिन अब इसमें आपको मिलता है OVD2 सेंसर। तो दोस्तों, जो इंजन है ना, पहले से और ज्यादा रिफाइन हो चुका है। इसमें आप देखेंगे तो साइड में आपको लीवो का स्टिकर मिल जाता है, जो कि पहले भी मिलती थी। और अगर हम आते हैं सीट के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सीट है ना, काफी लंबी सीट देखने को मिल जाती है। सीट में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, वही सीट मिलती है। लेकिन इसकी जो कुशनिंग है ना, थोड़ा सा पहले से और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, जो कि ज्यादा बेटर कंफर्ट प्रोवाइड करेगी 2023 मॉडल में। और यहाँ पे देखिए बॉडी कलर में आपको पिलियन ग्रेविल मिल जाती है, जो कि आपको सिंगल पिलियन ग्रेविल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटेज, लेडी फुटेज, सारी गार्ड देखने को मिल जाते हैं, फुल्ली कवर चैन देखने को मिल रही है। क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है, तो आपकी जो घर की लेडीज है ना, वो इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है। और अगर हम आते हैं इसके रियर प्रोफाइल से, तो सबसे पहले यहाँ पे
देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो होंडा का स्टिकर मिल जाता है, हेड्स की जो टेल लाइट मिलते हैं वही बल्ब टेल लाइट देखने को मिल जाती है। तो आप लोग एक बात क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपको कहीं भी एलईडी का यूज देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो कहते हैं रियर सेक्शन मिलता है उसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है वो मिलता है हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल रही है। और इसका जो रियर टायर मिलता है उसकी बात कर लेते हैं तो रियर में भी आपको मिलता है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर। और इसका जो रियर ब्रेक मिलता है वो मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट जो है ना वो आपको थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो पहले इसका जो एग्जॉस्ट मिलता था थोड़ा सा बड़ा मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट का जो मफलर मिलता है ना वो थोड़ा सा पहले से बड़ा हो चुका है, और साथ ही साथ इसका जो चौड़ाई है ना वो भी पहले से पतली हो चुकी है, जो कि थोड़ा सा पहले से बेटर लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको ESP टेक्नोलॉजी यानी कि इनहेंस स्मार्ट पावर वाली टेक्नोलॉजी मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के लिए किक और सेल दोनों की सुविधा देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो फीचर्स थे ना वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेन चेंजेस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की बात। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके लेंथ की बात कर लेते हैं तो इसका जो लेंथ मिलता है वो आपको मिलता है 2020 mm, इसकी जो हाइट मिलती है वॉक मिलती है 1116 mm, इसका जो वॉल्यूम मिलता है वॉक मिलता है 1278 mm, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वॉक मिलती है 163 mm का, इसका जो कर्वेट मिलेगा वॉक मिलता है 113 kg, सीट हाइट जो मिलती है वॉक मिलती है 790 mm का, इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वॉक मिलती है 9 लीटर की। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, इसके डायमेंशन। अब फाइनली बात करते हैं कि इसमें आपको मेन चेंजेस क्या मिलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहला इसमें आपको नया स्टिकर मिल जाता है, दूसरा इसके जो ग्राफिक्स है ना वो चेंज हो चुकी है, दूसरा इसमें आपको जो प्राइस है ना थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तीसरा इसमें आपको जो कलर ऑप्शन थोड़े से कम हो चुके हैं, कुछ नए कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, चौथा इसमें आपको BS6 फेस टू इंजन मिल जाता है, पांचवा इसमें आपको OBD2 सेंसर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यही सारे चेंजेस 2023 के होंडा के लीवो में देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग बताना कि ये जो स्पेशली ये जो नया कलर देखने को मिलता है SP125 वाला, ये आप लोग को लीवो के बॉडी पे कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिए, और आप लोग को ये कलर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई करने का। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के लिए हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।